मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूं CSIR, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट था फंडामेंटल फिफ्थ फोर्स का। आप जानते हैं यूनिवर्स में फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। हमारी एक कल्पना ऐसी है कि वो फिफ्थ फोर्स भी है कोई, और वो एंटी ग्रेविटी है। उसके लिए मैंने मैथमेटिकल फाउंडेशन तक डेवलप किया। पहले तो एजम्पशंस थे, फिर मैथमेटिकल फाउंडेशन में मैं गया, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का काम हमने शुरू किया। उसी समय हमारे ये बारे में खबर लग गई जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों को, वहां पर एक मैक्स प्लैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो उन्होंने हमको ऑफर कर दिया कि अब तो आप यहां आ जाइए, यहां पे करिए, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने कहा नहीं जी, ये संभव नहीं है, हमें तो हमारे देश में कुछ करना है। तो कहने लगे आपके देश में तो फैसिलिटीज नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है तो क्या हुआ? जगदीश चंद्र बसु ने जब काम किया था तो उनको भी फैसिलिटीज नहीं थी, तो क्या वो अमरीका भाग गए थे रिसर्च करने के लिए? वो यहीं पर रह के काम करते थे। तो फिर उन्होंने धमकी देना शुरू किया कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि आप तो प्रेशराइज करिए इन लोगों को। एक ग्रुप था हमारा, वो ग्रुप के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे, तो वो कहते थे इनको प्रेशराइज करो पैसे की मदद से, किसी भी मदद से, ये हमको या तो सरेंडर कर दें ये पूरी रिसर्च, या ये तय कर लें कि पेटेंट हम नहीं लेंगे, वो लेंगे जर्मनी वाले मैक्स प्लैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मेरे मन में क्या रिएक्शन था वो मैं बताता हूं आपको। ये जो देखिए सिविलाइजेशन की जो बात होती है वो यहां पर आती है। मेरे मन में रिएक्शन ये आया कि अगर मैं, दो रास्ते थे मेरे सामने, एक रास्ता यह था कि मैं सरेंडर कर दूं मेरी रिसर्च को, कुछ पैसा मुझे मिल जाए, मैं करोड़पति हो जाऊं, मजे का जीवन बिताऊं या जर्मनी चला जाऊं। एक और रास्ता था कि मैं उनसे झगड़ा करूं और कहूं कि सवाल ही नहीं उठता, ये मेरा है, मैं रखूंगा, तुमको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है वहां चले जाओ, विपो में जाना है वहां चले जाओ, मैं तुमको फाइट करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तीसरा और आखिरी रास्ता था जो हमको बहुत पसंद आता है, मैंने कहा रिसर्च ही बंद कर दो, काय का झगड़ा लेना। होगा क्या कि हम रिसर्च करेंगे, पेटेंट उनको हो जाएगा, तो टेक्नोलॉजी वो बनाएंगे। अब इसमें टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? अगर ये तय हो जाए कि कोई फंडामेंटल फिफ्थ फोर्स है, और ये भी तय हो जाए कि वो एंटी ग्रेविटी है, तो ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फील्ड है ये तो हमारे लिए बिल्कुल खुल जाएगा, बहुत अपार संभावनाएं इसमें हो जाए, और हम बहुत कम पैसे में दुनिया के मास्टर हो सकते अगर ये हमें तय हो जाए। तो मुझे लगता था कि हमारे यहां टेक्नोलॉजी बनेगी तो क्या रास्ते पे जाएगी, हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो सैटेलाइट में इतना ही तो करेंगे कि पता लगाएंगे अपने हिंदुस्तान के रिसोर्सेस के बारे में, स्टार वॉर्स तो नहीं करने वाले। अब अमेरिका के पास अगर यही टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी तो वो तो उसको स्टार वॉर्स में यूज करेंगे, इराक को बम मारेंगे, ईरान को बम मारेंगे, अफगानिस्तान को मारेंगे, उसको मारेंगे। तो मेरे मन में आया कि ये बंद ही कर दो ना काम, हमारी गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, कब वो जर्मन के सामने सरेंडर कर देंगे और कहेंगे तो अच्छा चलो इतने बिलियन डॉलर मिलता है तो चलो ले लो। तो गवर्नमेंट का चूंकि भरोसा नहीं और अपने को उनसे झगड़ा नहीं करना, तो एक रास्ता हमने ढूंढ लिया कि इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दो। तो मेरे जो गाइड थे डॉक्टर MP कौशिक, उन्होंने कहा कि जब हमारी ताकत और हैसियत होगी फिर बंद करेंगे, फिर शुरू करेंगे, अभी फिलहाल बंद कर दो। तो हमने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। अब मेरे दिमाग में जब भी उस बात को लेके विचार आते थे, आज भी आते हैं या पहले भी आते थे, तो मैं यही सोचता था कि मेरे इस रिसर्च का काम अगर मैं कोई इस्तेमाल करूंगा, कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाऊंगा, तो मुझे तो सैटेलाइट के फील्ड में हिंदुस्तान को कुछ आगे ले जाने की बात, सेल्फ सफिशियंसी की बात दिखती थी। उनको क्या दिखता है कि इसको हम यूज करके दुनिया के ऊपर राज करेंगे, स्टार वॉर्स के मास्टर हो जाएंगे, हम मिसाइल्स को ऐसे डिजाइन करेंगे वैसे डिजाइन करेंगे, ये सब उसमें जाता है। तो ये जो सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट है ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी सिविलाइजेशन की जो मान्यताएं हैं उसी के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं,
और हमारी जो मान्यताओं के विरुद्ध है वो टेक्नोलॉजी में हम नहीं जाते हैं। अब पिछले 20 सालों से क्या हो गया है कि यूरोप की जो मान्यताएं हैं सिविलाइजेशन की, उसके आधार पर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो दुनिया का नाश ही ज्यादा करती है, फायदा तो बहुत कम करती है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका के पास इस समय जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो 70-80% टेक्नोलॉजी उनकी ऐसी है जो मास डिस्ट्रक्शन की है, 70-80%, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। और हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है पिछले 50 साल में या 55 साल में, अब आपको एक चीज और बता दूं, टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, कभी भी अच्छी बुरी टेक्नोलॉजी नहीं होती। ये चाकू है ना, नाइफ है, ये अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, यूज करने वाले के हाथ में है कि आप उसका क्या इस्तेमाल करें। आप चाकू से किसी की जेब काट सकते हैं, किसी का पेट फाड़ सकते हैं, और उस चाकू से केला काट सकते हैं, पोटैटो काट सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। चाकू एक टेक्नोलॉजी है ना। अब अगर आप ये वेस्टर्न लोगों के हाथ में दे दोगे तो वो पेट फाड़ने का सोचेंगे, जेब काटने का सोचेंगे, और हिंदुस्तानी या ईस्टर्न लोगों के हाथ में दोगे तो वो सब्जी काट के ही खाएंगे उससे। वो किसी की गर्दन काटने का भी नहीं सोच सकते कि ये चाकू गर्दन भी काट सके। और अगर आ गया है घर में ना तो बड़े संभाल के रखेंगे उसको। देखते हैं ना, छोटे घर में बच्चे हों, चाकू भी रखा हो तो क्या करेंगे, बच्चे को कहेंगे लो काटो अपनी उंगली पेट, अरे अरे छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। माने इससे कुछ नुकसान नहीं कर लेना तुम अपना, माने हमें मालूम है कि वो टेक्नोलॉजी से नुकसान भी होगा फायदा भी होगा, इसलिए ये डिबेट नहीं करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या खराब है। स्टार वॉर्स की टेक्नोलॉजी अच्छी है या खराब है, उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, मेरे लिए खराब है, ये रिलेटिविटी का सवाल है ना। मेरे लिए, मेरे कॉन्सेप्ट में स्टार वॉर्स बहुत खराब हो सकता है, एटम बम बहुत खराब हो सकता है, हाइड्रोजन बम बहुत खराब हो सकता है, केमिकल बम बहुत खराब हो सकता है, एंथ्रेक्स बहुत खराब हो सकता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के लिए हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उन्हें अपना उद्देश्य हासिल करने में वो टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है तो वो करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये बहस नहीं चलती कभी भी दुनिया में कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ये भी बहस नहीं होती कभी भी कि उनकी टेक्नोलॉजी ऊंची है और हमारी नीची। टेक्नोलॉजी का